नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर, विधायक नफीस अहमद के बिगड़े बोल। सपा विधायक ने संघ और जिन्ना विवाद पर आंदोलन करने वालों को दोगला कहा। नफीस अहमद आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हैं। जिन्ना विवाद में नेताओं के बोल लोगों को और उकसा रहे हैं। जिन्ना की तस्वीर पर उपजे विवाद को लेकर सपा विधायक ने संघ और जिन्ना की तस्वीर का विरोध करने वाले लोगों को दोगला तक कह दिया, जिसके बाद आजमगढ़ जिले में भाजपा और हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। बता दें कि नफीस अहमद आजमगढ़ जिले की गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हैं और वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विधायक नफीस अहमद ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला भी किया। उन्होंने कहा कि संघी लोग हमें देशभक्ति ना सिखाएं, आरएसएस के लोग ना तो हिंदुओं के दोस्त हैं और ना ही मुसलमानों के दोस्त हैं, और ये देश के भी नहीं है। देश में मोदी और योगी सरकार के विकास, रोजगार सहित अन्य समस्याओं को सुलझाने में फेल होने के बाद लोगों का ध्यान बटाने के लिए जिन्ना जैसे प्रकरण को उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना से इतनी ही नफरत है तो पहले संसद से जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाना चाहिए और जिन्ना हाउस को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। 1938 पहली चीज तो ये बता दूं कि जो 1947 के बाद यहाँ मुसलमान रुका वो मौलाना आज़ाद के भारत में रुका। अगर उसको मोहब्बत जिन्ना से होती तो वो जिन्ना के पाकिस्तान में चला जाता। तो वो संघी लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हमेशा हिंदुस्तानियों को ठगने का काम किया, वो हमें देशभक्ति ना सिखाएं। दूसरी सबसे अहम चीज़ है, इतिहास लिखा जाता है, इतिहास को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि एक इतिहास है कि जब 1938 में जिन्ना यूनिवर्सिटी में आए थे और उनसे पहले वहाँ पर पहुँचने वाले महात्मा गांधी थे जो यूनिवर्सिटी 1920 में गए, और 1938 के बीच में कम से कम 5 ऐसे लोग उस यूनिवर्सिटी में आए। तब देश आज़ाद नहीं हुआ था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और जिन्ना भी महात्मा गांधी के साथ फ्रीडम फाइटर थे, उस वक्त बुलाया गया था और वो तस्वीरें उस वक्त की लगी हैं। और श्यामा चरण मुखर्जी के साथ पार्लियामेंट के अंदर जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर भी हैं और तमाम उस दौर के फ्रीडम फाइटर हैं, उनकी भी तस्वीरें लगी हैं। सबसे अहम बात, अगर जिन्ना से इन लोगों को इतनी ही नफरत है तो जिन्ना हाउस को निस्तनाबूद करें, और इनको इतनी ही नफरत है इतिहास से कि जहाँ से इनको लगता है कि ये इतिहास है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति भवन से शुरू करें और ताजमहल, लाल किला, जितनी भी इमारतें हैं उन सबको निस्तनाबूद करके नई इमारत बनाने का काम करें। ये सिर्फ और चाहते हैं, क्योंकि मुद्दा ये है कि हमको रोज़गार चाहिए, मुद्दा ये है कि महंगाई कम हो, मुद्दा ये है कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए। इन सारी चीज़ों में नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी की सरकार फेल है। इसीलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से और भड़का कर। और एक चीज़ और बता दें आपके माध्यम से, और ये निवेदन करूँगा कि ये चलाइएगा, ये आरएसएस के लोग न मुसलमानों के दोस्त हैं न हिंदू के दोस्त हैं। अगर ये दोस्त होते तो बीएचयू के अंदर भी लाठी चार्ज जो हुआ वो भी चलाने वाले, वहाँ पर आंदोलन करने वाले हिंदू थे और उनका विरोध करने वाले यही दोगले लोग थे, दोगले लोग थे, दोगले लोग थे, दोगले लोग थे जो बीएचयू के अंदर विरोध कर रहे थे, और विरोध करने वाला हिंदू था। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो विरोध बच्चे कर रहे हैं उनका भी विरोध करने वाले यही लोग हैं। ना ये देश के हैं, ना ये हिंदू के हैं, ना ये मुसलमान के हैं, सिर्फ और सिर्फ ये अपनी जेब के हैं। सीआईबी इंडिया न्यूज के लिए आजमगढ़ से अंकित सिंह की रिपोर्ट।